नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं बड़ी चर्चा। आज हम बात करेंगे जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान जो कुछ भी हुआ, खुली आंखों से पूरे प्रदेश ने उसे देखा। वहीं हैरानी की बात भी सामने आई कि जिस पार्टी को पंचायत चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, उसने एक दो नहीं बल्कि 67 जिला पंचायत अध्यक्ष सीटों पर अपना अध्यक्ष बनाने में कामयाबी हासिल की। आरोप भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार पर लगाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा, और कई जगह तो मीडिया ने भी देखा कि किस तरह से अध्यक्ष पद के चुनाव हुए और उसमें किस तरह से प्रताड़ित किया गया। और इन तमाम अराजकताओं को पंचायत राज की अवधारणा और लोकतांत्रिक पद्धति को बचाना है तो पंचायत अध्यक्ष के चुनाव डायरेक्ट कराने चाहिए, यह भी कहीं ना कहीं सवाल बन जाता है। जिले की जनता को अधिकार देना चाहिए कि वो स्वयं अध्यक्ष चुने ताकि लोकतांत्रिक जो पद्धति है उसे बचाया जा सके। लेकिन जिस पारदर्शिता की बात करती थी भाजपा, बसपा और सपा को घेरती थी, वो क्यों नहीं दिखाई दिया? फिर सवाल यही उठता है कि कहां से अलग हो गए वो लोग, भाजपाई कहां से अलग हो गए, क्योंकि उन्होंने भी वही पैतरा अपनाया। तो जो गलती बसपा ने की समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव ने की, वही गलती भाजपा ने अपने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में की है। लेकिन इतना ही नहीं, कोरोना के समय में अगर इतनी ही ताकत जितनी ताकत अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए जो की गई, उतनी ही क्षमता उतनी ही पावर अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोरोना की रोकथाम गांव ग्रामीणों के लिए की जाती तो इतने लोग ना मरते, इतनी लाशें गंगा में उतराती ना मिलती। और आने वाले वक्त में 10 जुलाई को भी आप यही सब देखेंगे जो आपने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में देखा। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि जितना ध्यान सरकार चुनाव में लगाती है उतना गाँव गरीब पर क्यों नहीं? और राज्य निर्वाचन आयोग का क्या ही कहे, आज 6 तारीख हो गई है और 4 दिन बाद ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव होने जा रहे हैं। जैसे ना राज्य निर्वाचन आयोग का तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहा है। सवाल फिर वही, जितनी तत्परता क्षमता ताकत चुनाव जीतने में लगाई जाती है उतनी ताकत गांव ग्रामीणों के स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने में क्यों नहीं? तो आपको ग्राफिक्स के जरिए भी एक बार दिखा देते हैं। वोटिंग के बाद 10 जुलाई को ही आएंगे नतीजे। 8 जुलाई नामांकन करेंगे प्रत्याशी, नामांकन वापसी की तारीख 9 जुलाई, 10 जुलाई को डाले जाएंगे वोट। जिला पंचायत के बाद ब्लॉक प्रमुख की तैयारी, यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव की जंग। वोटिंग के बाद 10 जुलाई को आएंगे नतीजे, 8 जुलाई नामांकन करेंगे प्रत्याशी, 10 जुलाई। तो आज का बड़ा सवाल यही है कि जितनी ताकत हमने देखा कितने जिलों में किस तरह से और कितनी पारदर्शिता से ये चुनाव कराए गए हैं अध्यक्ष पद के, वो तमाम लोगों ने देखा। तो आज की बड़ी चर्चा में हमारे साथ बीजेपी से अमित त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, सपा से विवेक पांडे और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ दिलीप हर्षवर्धन जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो सबसे पहला सवाल अमित जी आप ही से है कि लगातार भाजपा जब सपा का कार्यकाल था और बसपा का था तब पारदर्शिता की और राजनीतिक पारदर्शिता की बात करती थी, लोकतांत्रिक रूप से चुनाव कराया जाए इसकी बात करती थी, लेकिन जब खुद की बारी आई तो ये तमाम दावे जो आपके पार्टी करती थी वो कहाँ चले गए? देखिए कीर्ति जी, पहली चीज तो भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर विश्वास करती है, उसी पर चलती है। जहाँ तक कि आपका प्रश्न है कि सपा बसपा जैसा ही काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने पारदर्शिता के साथ चुनाव लड़ा था। सवाल तो ये उठना चाहिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी भी समाजवादी के रास्ते चल गई है तो आप मुझे बताइए कि क्यों नौबत आ गई अखिलेश यादव जी को कि उनको जिला अध्यक्ष अपने हटाने पड़ गए। यहाँ पर जब चुनाव हो रहा था, चुनाव के बाद जब वोटिंग का समय आया जिला पंचायत अध्यक्ष का, तो उसमें क्यों इन समाजवादी जो समर्पित जो कैंडिडेट जीते थे उनको किसने रोका था? उन्होंने उनको नीतियों से, वो भारतीय जनता पार्टी की प्रभावित थे, उनको भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिल पाया था, उन्होंने दूसरी पार्टी से समर्पित होकर चुनाव लड़ा, लेकिन उनको नीतियां भारतीय जनता पार्टी की पसंद आई, योगी जी की पसंद आई, उस आधार पर उन्होंने वोटिंग की है। जहां तक की बात है आज भारतीय जनता पार्टी पर
सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं 2015 में तो पर्चे तक नहीं खरीदने दिए गए थे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। यहां पर आज भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो अराजकता करके जीतती है, अगर लोकसभा जीतती है विधानसभा जीतती है तो ईवीएम हैक करके जीतती है। इस तरीके का दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। जनता ने योगी जी की नीतियों को सराहा है, लोगों ने योगी जी की नीतियों और विकास कार्यों पर जनता ने मुहर लगाई है, इसको मानना पड़ेगा। जहां तक कि आज आप पंचायत चुनाव अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, आप 2014 से लगातार देखिए, 2014 में 5 सीटें, 2019 में 5 सीटें और फिर जिला पंचायत अध्ययन में समाजवादी पार्टी की 5 सीटें, विधानसभा में 47 पर सिमट गए। देखिए कहीं ना कहीं अपनी कमियों को ये लोग छुपा कर, आप कह रहे हैं आपके विकास को जनता ने देखा और उसके आधार पर जिला पंचायत चुनाव में आपको हार मिली, लेकिन अध्यक्ष पद के लिए आपने 67 सीटों पर बहुमत हासिल की। बिल्कुल, देखिए सीधी बात है कि आज जमीन पर जो जीत का कैंडिडेट जो भी जीत कर आए थे कैंडिडेट, उन्होंने जो जिला हमारे जो समर्पित 67 कैंडिडेट जो जीत गया उनको वोट किया है, तभी वो जिला अध्यक्ष चुनाव जीते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किसने रोका था, किसने उनको, कोई पिछली बार जब पिछली सरकारें थी तो बूथ कैप्चरिंग होती थी, कैसे लोग किडनैप हो जाते थे, गायब हो जाते थे, इस बार ऐसा कहीं पर नहीं हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि कुछ लोगों को यही दिखाई देता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो वो ईवीएम हैक करके जीतती है या फिर अराजकता करके जीतती है, लेकिन देश की जनता इस पर विश्वास नहीं करती है, उत्तर प्रदेश की जनता विश्वास नहीं करती है। उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी के विकास, योगी जी की नीतियों पर चलकर 2022 में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं, ये फिर 2022 में भी यही रोना रोएंगे कि अराजकता के साथ ईवीएम हैक करके भाजपा ने सरकार बना ली। बिल्कुल अमित जी, यही पॉइंट मेरा भी था जो आपने खुद से ही बोल दिया कि जब सपा की सरकार थी, बसपा की सरकार थी तो ईवीएम हैक हो जाता था। ईवीएम के लिए तो रोना ये लोग होते थे। आपने लेकिन उस वक्त भी आपने आवाजें यही बुलंद की कि किस तरह से पारदर्शिता से चुनाव नहीं हुए, और इस बार भी हमने देखा कि पुलिस ने किस तरह से दमन का प्रयोग करा, किस तरह से लोगों के घर गिराए गए, ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों को धमकाया किसी गया, का दमन नहीं किया गया। देखिए जो जिनके ऊपर कार्रवाई करनी थी, जो ऊपर से आदेश था उसकी सरकार, जो कोर्ट से आदेश थे उसका पालन किया गया, उसमें दिक्कत क्या है? अपराधी किस्म के आदमियों के क्या, जो अवैध कब्जे उनको हटाना अपराध है क्या? जो उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें बहुमत दिया था, सब अपराधी हो गए? नहीं, क्यों नहीं? तो आप बताइए कौन अपराधी नहीं है, दिखाइए मुझे, किसका क्यों बेगुनाह है जिसका हम लोगों ने गिराया है, बताइए ना, आइए उसको सामने स्पष्ट कीजिए, हम लोग उस पर भी कार्रवाई कराएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं आज ये लोग हताशा में है, समाजवादी पार्टी हताशा में। आज हार का ठीकरा जो ये जिला अध्यक्ष पे पीटने का काम कर रहे हैं, आज अखिलेश यादव जी को अगर सही मायने में इस्तीफा लेना हो तो अखिलेश यादव का लेना चाहिए, क्योंकि 2014 से आज 2021 हो गया, निरंतर वो चुनाव हार गए, वो कब इस्तीफा देंगे? केवल कार्यकर्ताओं पर गाज गिराते हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता है। विवेक जी, आपने सुना अमित जी ने क्या बोला, ये अपने जीत का राज बता रहे हैं कि विकास को लेकर लोगों ने विकास को सराहा, हालांकि पंचायत चुनाव में सीटें नहीं जीती लेकिन अध्यक्ष पद में 67 सीटें जीती हैं और मुस्लिम वोटर्स ने भी इन्हें वोट किया है। देखो प्रियंका जी, पूरे मंच को धन्यवाद देते हुए, मैं अमित जी को सुन रहा था और अमित जी जिस तरह से अपनी वाणी को, एक बॉडी लैंग्वेज एक शब्द होता है, जिस तरह से अपनी वाणी को हतोत्साहित होकर के दबाव बनाने का प्रयास कर रहे थे या जिस तरीके से रखने का प्रयास कर रहे थे, मुझे लगता है कि अगर ये इतनी सामूहिक जीत होती तो ये इतना प्रेशर में इस तरह से दबाव नहीं कर रहे होते। दूसरी चीज, जो वीडियो जिस तरीके से प्रभावित करने का प्रयास किया गया, जिस तरह से बुद्धिजीवी यूट्यूबर से बोल रहे हैं, जिस तरह से न्यूज मीडिया दिखा रही है, किसी की सड़क उखाड़ी जा रही है, किसी का स्कूल गिराया जा रहा है, किसी का निर्माण गिराया जा रहा है, किसी को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, इस बार इनके डीएम वीडियो एटीएम का वीडियो वायरल हो गया, तो मुझे लगता है कि हमें इसको प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पहली बार। दूसरी बात, अगर हमने अपने जिला अध्यक्षों को बर्खास्त किया तो वो हमारी पार्टी का आंतरिक मसला था, क्योंकि जब हमारे प्रत्याशी केंद्र में जाकर के किसी भी तरह की समस्याओं का सामना कर रहे थे तो कोई पार्टी नहीं चाहती कि उसके निष्क्रिय कार्यकर्ताओं के हाथ में सामान हो, और खास करके जिम्मेदार पदों पर ऐसे लोग बैठे रहे जहाँ पे उनको अपने पदों का दायित्व का निर्वहन करना चाहिए था और वो नहीं कर रहे थे, तो वो हमारा आंतरिक विषय था। अगर ये इसको इस तरह से देखते हैं कि उस वजह से हमने बर्खास्त किया तो भाई विजय संतोष को अभी आप भूले नहीं होंगे, उनकी अभी दिल्ली और लखनऊ की दौर बात चली रही है, तो मैं हालांकि उस विषय पर नहीं जाना चाहता हूँ, हाँ, लेकिन इसकी दौर है, आज ही एक और आदेश आ गया है। लेकिन विवेक जी, आपको तो इस चुनाव को लेकर हैरत होनी नहीं चाहिए ना, क्योंकि जब आपकी सरकार थी तो आपने भी यही किया।
नहीं हमारे देखिए एक चीज आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता दूं, हमारी सरकार ने ये प्रमाणित तो करे कि हमने किसको उठवाया, किडनैप करवाया या किसी का ईएम ने पर्चा वापस कर दिया। हमारी सरकार ने इस तरीके की कोई गतिविधि, अब आपके प्रत्याशी अगर नहीं आके पर्चा भर रहे तो उसका ठीकरा तोड़ दीजिए हमारे ऊपर, लेकिन प्रमाणित करना पड़ता है ना हर चीजों को, व्यवस्थाओं को लाके प्रमाणित करिए। और रही बात इन्होंने कहा कि विकास के मुद्दे, मैं आपसे पूछता हूँ कि विकास के मुद्दे की बात कर रहे हैं, हमारे पहले एजेंडे में ही 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कल अखिलेश यादव जी ने घोषणा कर दी है, वो 10 लाख रोजगार हमने क्यों देने की बात की, अभी मैं आपको वो भी क्लियर कर दूंगा। उसके बाद आज भी अध्यक्ष पद के चुनाव की बात करिए विवेक जी, अगर आपको ठीक है विवेक जी सुन लीजिए, अगर आपको ठीक है ठीक है, अगर आपको परिणाम स्वीकार नहीं थे, अगर आपको नहीं लग रहा था कि पारदर्शिता से चुनाव हुए हैं तो उसको आप स्वीकार कर देते आप चुनावों को लेकर जो परिणाम आए हैं। आपको एक बात बता दूं, चुनाव कितनी पारदर्शिता से हुए हैं नहीं हुए हैं, हमारे राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, वो अभी इस पे काफी प्रकाश डालेंगे। मैं इनकी बातों को हमेशा लेता हूँ सकारात्मक रूप से और इनके सुझावों को ऊपर तक पहुंचाने का प्रयास भी करता हूँ, लेकिन अगर आप इसको लोकतंत्र का एक निष्पक्ष चुनाव मानती हैं तो मुझे लगता है कि इस मंच के माध्यम से मैं आह्वान करता हूँ कि बाकी राजनीतिक दल भी इसी से प्रेरणा लेते हुए इसी तरह के जो एग्जाम्पल सेट किए जा रहे हैं इनको अपनाने का प्रयास करेंगे आते समय आने वाले भविष्य में, लेकिन तब आप जिम्मेदारी लीजिए कि तब महंगाई पे बात नहीं करते, महंगाई पे बात नहीं करते, बेरोजगारी पे बात नहीं करते, मुद्दे इनके पास है। मैं तो कह रही हूँ जनता पर छोड़ देना चाहिए, अगर अध्यक्ष पद के चुनाव भी जनता ही, जिला की जो जनता है वो खुद इस पर वोट डाले तो शायद निष्पक्षता आ जाए थोड़ी बहुत, लेकिन जिस तरह से हम लगातार देखते आ रहे हैं अगर ऐसा होता तो गांव के जमीनी स्तर के चुनाव में इनकी दुर्दशा आपने देखी, लेकिन इस बार इन्होंने जिस तरीके से सारे समीकरणों को ध्वस्त करते हुए सारे लोकतंत्र का उपहास उड़ाया उसको भी आपने देखा। मैं तो किसी चीज से हताश नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि बाकी राजनीतिक दलों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, और अगर आप इसको लोकतंत्र का हिस्सा मानती हैं तो मैं तो कहता हूँ आह्वान करता हूँ कि बाकी राजनीतिक दल भी इस परंपरा को अपनाएं, अगर ये लोकतंत्र की परिभाषा है तो बाकी लोग भी अपनाएं। ठीक है विवेक जी, इन्होंने तो एक बेंचमार्क सेट किया है ना, लेकिन बस बात इतनी सी है कि अगर इस तरह की परंपरा कोई राजनीतिक दल सत्ता में आने के बाद अपनाए तो आप जैसे मीडिया चैनल या जो हमारे निष्पक्ष राजनीतिक विश्लेषक जी बैठे हैं ये इसका भी उदाहरण सेट करेंगे ना आने वाले समय में, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम हताश नहीं है, हम बिल्कुल देखिए एकदम निष्पक्ष रूप से बैठ करके हम अपनी आगे की रणनीति पे बात करेंगे। केवल बिल्कुल आरएगी की रणनीति मैं आपकी बिल्कुल जानना चाहूंगी। दिलीप जी पर मैं आती हूँ, अमित जी आप उत्तर भी दीजिएगा। दिलीप जी आपको क्या लगता है, जिस तरह से अमित जी ने बोला कि विकास जीता है क्योंकि लोगों का हम पर विश्वास था इसलिए अध्यक्ष पद के लिए विकास ने जिताया, विकास कार्यों ने बहुमत हासिल की है, लेकिन वही विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि बुलडोजर और जिस तरह से मुकदमे हुए हैं उससे जीत मिली है, क्या लगता है आपको? कीर्ति जी अब अमित जी कह रहे हैं कि विकास जीता है तो मानना पड़ेगा क्योंकि विकास जीत तो प्रत्यक्षदर्शी है, विकास जीते, जीतने जीत को तो हम नकार सकते नहीं है, जीत हमें दिख रही है 67 सीटें 75 में से वो लेकर के हैं तो ये मानना पड़ेगा विकास जीता है, लेकिन विकास कौन सा जीता है इस पर सवाल जरूर खड़ा होगा। एक महीना लगभग 1.5 महीना पहले जब पंचायत के चुनाव थे तो विकास बड़ा छोटा था, जीत नहीं पाया था, और 1.5 महीने में विकास ने ऐसा कौन सा बूस्ट पी लिया, ऐसा कौन सा हॉर्लिक्स पी ली कि इतना ज्यादा पावर उसके अंदर आ गई कि वो 75 में से 67 सीटें लेकर के आ गया। तो विकास को कहीं ना कहीं कोई डोज जरूर लगाई गई है, अब वो प्रशासन की डोज है या सरकार की ताकत की डोज है या कौन सी डोज है ये अमित जी बेहतर जानते हैं और हम सब जानते हैं और उसी पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो ये विकास नहीं जीता है, विकास का चोला ओढ़ करके जो सरकार बनी हुई है वो सरकार की जो राजनीतिक ताकत जो प्रशासनिक ताकत इस समय है वो जीती है, और ये प्रशासनिक ताकत ताकत सभी पार्टियां कमोबेश अपने अपने समय में लगाती हैं, इसका श्रेय सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं जाता है, जिसकी मायावती जी का अभी थोड़े दिन पहले एक स्टेटमेंट आया था कि जिसकी सरकार होती है उसके अध्यक्ष होते हैं, तो ये सही है कि जिसकी सरकार होती है प्रशासन को वो भी सरकार शासन चुकी की है, बात उनका भी आपने देखा ही होगा, प्रशासन की बिल्कुल 2012 का भी हाल आपने देखा होगा, जब 2012 से 17 में जब समाजवादी की सरकार थी तब बहुमत किस तरह से उनके खेमे में गई थी, हालांकि कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। कीर्ति जी मैंने कहा ना ये एक अप्रत्यक्ष शाश्वत सत्य है, अप्रत्यक्ष
जिसको आदमी डायरेक्ट रूप से एक्सेप्ट नहीं करता है, बट यही सत्य है कि जिसकी सरकार होती है ये जो पंचायतों के चुनाव होते हैं ज्यादातर उसी के फेवर में जाते हैं। नहीं दिलीप जी, लेकिन मिल क्या जाता है, मतलब अध्यक्ष पद पर क्या खुद का ईगो सेटिस्फाई करना एकमात्र ये रह जाता है कि खुद का ईगो सेटिस्फाई करना है, इसलिए बस अध्यक्ष पद के लिए इस तरह से चुनाव करवा दिए जाए, इस तरह से पुलिस का दमन दिखाकर, बुलडोजर चलवाकर, घर गिरवाकर या इस तरह से चुनाव करवा दिए जाए और उस पर जीत हासिल कर ली जाए, इससे क्या मिलता है? नहीं, इसके दो कारण होते हैं। एक तो ये कि हमारा परचम लहरा रहा है जी। दूसरा, हमारी सरकार को बने इतने साल हो गए और निचले स्तर की जनता, जो इस देश की असली जनता कही जाती है, वो अभी भी हमें चाह रही है और वो हमारे फेवर में वोट कर रही है। हमारा ही पंचायत ग्राम प्रधान चुना जा रहा है, हमारा ही अध्यक्ष चुना जा रहा है, हमारा ही ब्लॉक प्रमुख चुना जा रहा है। इसका मतलब कि सरकार जो काम कर रही है उन कामों से जनता खुश है, जैसा कि अमित जी ने कहा कि विकास की वजह से ये जीत हुई है। दूसरा, कीर्ति जी, मैं एक बात और कहता हूं, अगर डेमोक्रेसी की बात हम लोग करते हैं तो इस देश में डेमोक्रेसी की परिभाषा आधी है। डेमोक्रेसी वहां तक है जहां तक हम वोट देते हैं। वोट देने के बाद डेमोक्रेसी का कहीं कोई रोल नहीं आता है। आप देखिए, हम जब डेमोक्रेसी में वोट देने जाते हैं तो हम सांसद चुनते हैं, हम विधायक चुनते हैं, हम प्रधानमंत्री नहीं चुनते हैं, हम मुख्यमंत्री नहीं चुनते हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तो जनता के चुने वोट से बनता ही नहीं है कभी भी। वो तो पार्टियां जिसको चाहे उसको बैठा दें। आप उत्तराखंड का एग्जाम्पल ले लीजिए, एक बदले, दूसरे बदले, कल तीसरे ने शपथ ले ली, इसमें जनता का क्या रोल है? क्या ये डेमोक्रेसी है? क्या जनता से पूछा गया था कि इस टर्म में हम तीसरा मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं, आपकी इसमें राय है कि नहीं रहे? ये डेमोक्रेसी के नाम पर बहुत बड़ा धोखा है जनता के साथ में, और ये धोखा इस देश की जनता समझ नहीं पाती है। उस समझ ना पाने का कारण है कि हमारे देश की जनता भी जातिगत और व्यक्तिगत लाभों में उलझी हुई है। हर पार्टी सेगमेंट में बांट देती है, ये एसटी, ये ओबीसी, ये यादव, ये मुसलमान, ये पंडित, ये ठाकुर, इनको ये दे दो, इनको वो दे दो, उनको वो दे दो, उनको वो दे दो, और ये सारी बातें अलग अलग खेमे में देकर के वो कहते हैं कि हमने डेमोक्रेसी की परिभाषा को सिद्ध कर दिया। बिल्कुल, जनता को भी ये समझने की जरूरत इसीलिए बन जाती है कि वो जातिवाद में, धर्म में फंस के ना रहे और वो ये समझने की कोशिश करे कि जितना लोकतंत्र का हनन हो रहा है और जिस तरह से सरकार के पास जो तंत्र मजबूत है सरकार का, वो वहां दिखता है चुनावों में, उस तरह का तंत्र मजबूती के साथ क्यों नहीं दिखा कोरोना काल में, जब ग्रामीणों के स्वास्थ्य सुविधाओं को के लेके कितना सब हम लोग ने देखा, किस तरह से गंगा में जो शव उतराते मिले वो तस्वीरें भी देखी, तो क्यों नहीं उस तरह का तंत्र उस समय यूज इस्तेमाल किया गया? अमित जी, आप सारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, क्योंकि लगातार आपने भी सुना दिलीप जी ने क्या बोला और हमें सबको पता है कि अध्यक्ष पद के चुनाव किस तरह से होते हैं, ना आप इससे अनजाने, ना हम और ना अन्य लोग। तो आप बताइए कि इस तरह से जो तंत्र का इस्तेमाल, सरकारी तंत्र का इस्तेमाल जब चुनावों में कर लिया जाता है, तो ग्रामीणों के स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने में क्यों नहीं? देखिए, मैंने सबकी बात सुनी और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक की बात है कि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में जिस तरीके से आप बता रहे हैं अराजकता और जिस तरीके से शासन का प्रयोग किया गया, इसको मीडिया अपने नज़रिए से देखता है, लेकिन जहाँ तक हमारी बात है, आपने कहा बुलडोजर का प्रयोग किया, मुकदमे कराए, मैं पूछना चाहता हूँ कि शाहजहाँपुर और पीलीभीत में जो इनके समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत प्रत्याशी थे अध्यक्ष के, वो भारतीय जनता पार्टी में क्यों शामिल हो गए? वहां पर उनका घर गिराया गया था क्या, या उनके खिलाफ कोई मुकदमा लिखा गया था क्या? क्यों? क्योंकि इनके लोगों ने वहां पर बेईमानी करने का काम किया, इनके घर के अंदर भीतरघात हुआ है, लेकिन उस कमी को छुपाने के लिए ये दोष भारतीय जनता पार्टी पर मढ़ने का काम कर रहे हैं, ये अपनी कमी नहीं देखते हैं। जहां तक की बात है स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की, मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के सांसद ने उत्तर प्रदेश की तारीफ में कहा है कि जिस तरीके से कोरोना को योगी सरकार ने हैंडल किया है, उसकी जो उससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश और एमपी, राजस्थान और महाराष्ट्र को सीखने की जरूरत है। जिस तरीके से कोरोना में लोगों को, गरीबों को रोजगार से जोड़ने का काम किया है, उससे महाराष्ट्र के लोगों, महाराष्ट्र की सरकार को सीखने की जरूरत है। इस तरीके के काम के WHO ने तारीफ की है। जहां तक जो देश का सब, सुनिए आप कीर्ति जी, जो देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जहां पर कहा जा रहा था कि गांव में कोरोना चला गया है, मौतों के ढेर हो जाएंगे, ऐसा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद कोरोना पॉजिटिव थे। लेकिन सुनिए, हमें जी फिर शायद तक आपने तस्वीरें नहीं देखी, माफ कीजिएगा, गलत बयान देखिए, नहीं गलत बयानबाजी नहीं, आप कह रहे हैं ग्रामीण इलाकों में जिस तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल हुई,
कैसे बना लूं आप मुझे बताइए ना, कहां आज आज उत्तर प्रदेश में हर गांव में वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध है, हर जिले में वेंटिलेटर आईसीयू बेड उपलब्ध है, कहां नहीं है आप मुझे एक जिला बताइए, आप मुझे एक जिला बताइए जहां पर आईसीयू बेड या वेंटिलेटर नहीं है। की बातें आप कर रहे विवेक जी, सब ठीक है। मैं आपसे विवेक जी, आपको लगता है ये बातें जो ये कह रहे हैं अमित जी कि सारे वेंटिलेटर सुविधा उपलब्ध है और ग्रामीण इलाकों में तत्काल जो सारे सरकारी तंत्र का इस्तेमाल पूर्णता किया गया है, आप जाइए अपने कैमरे में के एक जिला बता दीजिए। मैं आपको यही अमित जी मैं आपको यही तो बता रही हूँ कि रिपोर्ट आती है उसके आधार पर हम सवाल करते हैं, मीडिया अपने आप से सवाल नहीं करती है। आपसे वही तो कह रहा हूँ, हमारे पास 48 जिलों की रिपोर्ट आई जहाँ पर घर गिरवाया गया, जहाँ पर अगर आप वोट नहीं देंगे तो आपको मुकदमा हो जाएगा, किस तरह से पुलिस की ताकत का इस्तेमाल हुआ। हालांकि मैं उसमें नहीं जाना चाहती क्योंकि हर सरकारों ने किया। जी विवेक जी, तीन बातें रखना चाहता हूँ इसमें इस प्रकरण में कि WHO का और WHO से इन्हें सर्टिफिकेट मिला जिसका ऑफिस अलीगंज में था, चलिए ठीक है कोई बात नहीं WHO, लेकिन उसके ऊपर एक टैग तो लगा ही है। 14,50,000 की RT-PCR मशीन को 49 लाख में खरीदा जा रहा है, चलिए ठीक है भाई ये देश हित में है। वेंटिलेटर पेडियाट्रिक 22 लाख का जो 10 लाख 27,000 का है 22 लाख में खरीदा जा रहा है। 9 लाख का वेंटिलेटर यूनिवर्सल जो 9 लाख का है वो 17,11,000 में खरीद रहे हैं। अपनी कोई नीति नहीं है, ये दूसरे का ढोंग यहाँ पर रचने के लिए और जनता को गुमराह करने के लिए। हमारे सत्ता में थे तब ये एक भी रोजगार नहीं दे पाए और आज ये बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं कि 10 लाख रोजगार दे देंगे, ये क्या है? प्रदेश की जनता इनके ऊपर हंस रही है इस तरीके के झूठे और झूठे वादे। विवेक जी और अमित जी ठीक है, हम इस बहस को कहीं और ना मोड़ते हुए हम मुद्दे पर ही रहते हैं और मुद्दे की ही बात करते हैं, क्योंकि अमित जी देखिए सवाल बनना इसलिए उठता है बनता है क्योंकि जब आप नहीं थे सत्ता में तब आप इसी अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर उतरे थे और सवाल उठाते थे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का, सुचिता का, राजनीतिक और इसी को लेकर आपने सवाल उठाए हैं। इनके पार्टी के पदाधिकारियों के घरों में है। चलिए ठीक है, अच्छा बीडी परिवार को संभालिए, कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, आप कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे समाजवादी पार्टी में, कोई यादव ही बनेगा, कोई उनके परिवार का ही बनेगा, ये भी याद रखिएगा विवेक जी। अमित जी आप परेशान ना हो, आप परेशान है, आप ये झंडा उठाइए और यहाँ पर चिल्लाइए, आप समाजवादी पार्टी में आप अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं। ठीक है, इस बहस को इस तरह से लड़ाई का कारण ना बनाते हुए दिलीप जी मैं आप पर आना चाहूंगी, आपसे पूछना चाहूंगी चुनाव आयोग को आप किस तरह देखते हैं। हमें मुझे तो नहीं लगता कि चुनाव आयोग का भी कोई अस्तित्व रहा है कि जिस तरह से अब आप देखिए ना, अब कुछ दिन पहले ये अनाउंस हो गया कि 10 तारीख को BDC के चुनाव है, मतलब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव इतने जरूरी हो गए, तुरंत तत्काल प्रभाव से सारी सुविधाएं भी पूरी कर ली गई, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव भी हो जाएंगे उसको लेकर, तो क्या लगता है आपको चुनाव आयोग तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा हो, जैसे मानो कि सरकारी जेब में हो। ये इसलिए हो गए हैं क्योंकि ये जो अभी 67 सीटों का जो खुमारी है वो खुमारी उतरने से पहले ही अगले चुनाव जीत लिए जाएं, क्योंकि अगर खुमारी उतर गई उसमें जो सारे अरेंजमेंट कराए गए हैं, जो भी हथकंडे अपनाए गए हैं वो हथकंडे अभी असरदार हैं, उसका असर 67 सीटों में दिख गया है, इससे पहले कि वो असर कम हो जाए ये अगला चुनाव भी करा लिया जाए। और रही बात जो आप चुनाव आयोग की बात कर रही हैं, चुनाव आयोग कहने को एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन संवैधानिक संस्था में जितने लोग भर्ती होते हैं या संवैधानिक संस्था की कमान जिनको दी जाती है वो मिलती तो सरकार की मेहरबानियों से ही है ना, तो सरकार की बात लेकिन को दिलीप कैसे जी हम एक समय तब भी देखते थे जब यही चुनाव आयोग से लोग डरते थे, इनकी पारदर्शिता के उदाहरण दिए जाते थे। जी कीर्ति जी मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, अगर सरकारी अधिकारी या सरकारी बाबू अपने आधिकारिक ताकत का वास्तविक इस्तेमाल कर ले, उसका अपना कोई व्यक्तिगत लालच ना जुड़ा हो, तो किसी सरकार किसी मंत्री की हैसियत नहीं कि उससे कोई गलत काम करा पाए, लेकिन जितने भी बड़ी कुर्सियों पे लोग बैठे होते हैं उनका अपना व्यक्तिगत हित और अपना लालच जुड़ा होता है जो उनको सरकार की सही और गलत बात मानने पर मजबूर करता है। हमारे संविधान में जो अलग अलग सेगमेंट बनाए गए थे कि ये संवैधानिक पद होंगे, ये संवैधानिक संस्थाएं होंगी, ये किसी के अंडर में काम नहीं करेंगी, ये शासन होगा, ये प्रशासन होगा, ये जुडिशरी होगी, सबका अलग अलग रोल इसीलिए एस्टेब्लिश किया गया था कि एक दूसरे के ऊपर लोग वॉच डॉग की भूमिका निभाएंगे, कोई गलत करेगा
तो दूसरी संस्था उसको करने से रोकेगी। मीडिया का रोल यही था कि जब सारी संस्थाएं फेल हो जाएंगी, कुछ नहीं करेंगी, तो मीडिया उसको पब्लिक के सामने लेकर के आएगी। तो हर व्यक्ति का एक व्यक्तिगत हित जुड़ा हुआ है पद पाने के लिए, और ये जो इलेक्शंस हैं ये स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन की जो पावर होती है वो उसी स्टेट के अंदर होती है, तो उस स्टेट के अंदर रहते हुए उसको उस स्टेट के मुखिया की बात तो माननी ही पड़ेगी। बिल्कुल, वरना उसके ऊपर इंक्वायरी बैठ जाएगी। वो जब चाहेंगे तब इलेक्शन की डेट करा लेंगे। अगर अगर जो टीएन सेशन साहब थे उन्होंने इस देश में इलेक्शन कमीशन की, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की ताकत को एस्टेब्लिश किया, तो उन्होंने दिखाया था कि ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, न प्रधानमंत्री न राष्ट्रपति न जुडिशरी कोई उनका कुछ नहीं कर सकता है, अपने अपने डिसीजंस को लेने के लिए वो स्वतः सफिशियंट है। लेकिन अभी जो बंगाल में इलेक्शन चल रहे थे या जो उत्तर प्रदेश में बाईपोल्स चल रहे थे, उसमें आपने देख लिया था कि इलेक्शन कमीशन ने सारी पावर्स होने के बाद भी कहीं पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। ठीक है दिलीप जी, विवेक जी, इसका साफ मतलब है कि इलेक्शन कमीशन आज की डेट में अपनी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है। ये तो बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि जिस जो भाजपा ये कहती थी चुनाव आयोग कहीं नहीं है, कहीं अब तो मुझे लगता है उनकी जेब में पहुंच गया है चुनाव आयोग। जो जिस जो ताकत चुनाव आयोग के पास होती है वो तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रही, क्योंकि तत्काल प्रभाव से 4 दिन के अंदर ब्लॉक प्रमुख के चुनाव कराए जा रहे हैं। विवेक जी, 10 तारीख को ब्लॉक प्रमुख के चुनाव है, आप लड़ रहे हैं? देखिए, हम अपने प्रत्याशियों के साथ बिल्कुल मैदान में रहेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है हम जीतेंगे कि हारेंगे। हम जिस तरीके से चुनावों की रणनीति अपनी बना करके लड़ते आए हैं, निष्पक्षता से हम लड़ेंगे, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भाजपा किस तरह के बेंचमार्क सेट कर रही है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जिस परंपरा का आप शुरुआत कर रहे हैं, अगर कल को सत्ता दल में हम आते हैं या कोई सरकार आती है और वो अगर इस तरह की बेंचमार्क तो विवेक जी पहले से सेट है, आपको भी बेंचमार्क तो पहले से सेट हुआ है बसपा की सरकार से लेके आपकी सरकार तक। बेंचमार्क, हालांकि भाजपा यही कहते थे कि भैया हम राजनीतिक नहीं, नहीं, इनके प्रत्याशी घर से निकलते ही नहीं थे। कीर्ति जी बड़ी जिम्मेदारी से, लेकिन बेंचमार्क तो कहीं और से सेट होता चला आ रहा है, ये तो लगातार देखे जा रहे हैं। नहीं, पहले सुन लीजिए, इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि भाजपा जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के चुनाव को लड़ने आई है। भाजपा ने तो कभी हिस्सेदारी ही नहीं रखी, इनको तो गांव से मतलब ही नहीं था, ये तो केवल और केवल शीर्ष नेतृत्व के केंद्रीकरण में लग लगे रहते थे। समय कम है, ये तो पहली बार जी, समय की थोड़ी कमी है, माफ कीजिएगा। अमित जी, लास्ट रिएक्शन आपका, बीडीसी के चुनाव इतने तत्काल प्रभाव से क्यों? इनका इतिहास देख लीजिए, ये कभी गांव में चुनाव लड़े नहीं थे, ये तो पहली बार आ रहे हैं। ठीक है विवेक जी, समय की कमी थी। अमर उजाला की आज ही की रिपोर्ट है, आप अगर कैमरा ऑन करके दिखाएं तो बड़ा करके दिखाएंगे तो रिपोर्ट में साफ दिखा है, सपा के जिला अध्यक्ष है गिरीश यादव, उनका खुद का बयान है कि हमारे पास प्रत्याशी नहीं है उतारने के लिए और हमारे लिए चुनाव इतना महत्वपूर्ण नहीं है, और जब ये चुनाव निकल जाएंगे, जब ये डर है ना, नहीं तो आपको डर है, आप ये तो कह रहे हैं कि चुनाव में हम जाएंगे, तत्काल ठीक है, ये तो ये हमारा विषय नहीं है, ये चुनाव आयोग का विषय, चुनाव आयोग ने जो तारीख दी है उस पर चुनाव होंगे, उसमें समस्या क्या है? जहां तक की बात है समाजवादियों की, समाजवादियों के पास, कांग्रेस के पास, बसपा के पास कोई कैंडिडेट नहीं है नामांकन करने के लिए। कम को ये चुनाव जब 10 के बाद ये नतीजे आएंगे, जब ये हारेंगे तो कहेंगे कि सरकारी प्रशासन की वजह से हम हार गए। देखिए समस्या ये है कि इनके पास न प्रत्याशी है न संगठन है, ये लोग इन्होंने सिर्फ 4.5 साल ट्विटर पर बैठकर केवल सरकार को कोसने का काम किया। इन्होंने जमीन पर काम किया होता तो शायद कुछ नतीजे अलग होते, लेकिन इन लोगों ने काम सिर्फ सबसे ज्यादा ताकत लगाई योगी सरकार को बदनाम करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरह से लगातार हमने देखा कि जिला पंचायत चुनाव में सपा ने जीत हासिल करी, वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष में 67 सीटों के साथ बढ़त बनाई भाजपा ने, लेकिन विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा कि बुलडोजर के माध्यम से ये जीत हासिल हुई, वहीं कहीं ना कहीं भाजपा का कहना था विकास जो है, विकास की राह पर चढ़ के हमने 67 सीटें हासिल की। लेकिन मैं जनता से अपील करना चाहूंगी कि आप इन चीजों में ना फंसते हुए आप अपनी मूलभूत सुविधाओं को देखें, उसके मद्देनजर रखते हुए आपका कितना विकास हुआ है, आपके गांव का कितना विकास हुआ है, जिले स्तर पर कितना विकास हुआ है, उसको देखते हुए ही वोट करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए, और हाँ, देखते रहिए प्राइम टीवी।